बेटा एग्जाम के एकदम पहले पढ़ना, अभी मत पढ़ो। पॉलीमर बायोमोलिक एग्जाम के एकदम पहले पढ़ना, वो मैं ही पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। वो मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। चलिए आपसे बात करनी है, तो चलिए मैं आज आपको अपना एक नंबर देता हूं जिस पे आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा ये नंबर है, इस पे आप कॉल करके बात करना, लेकिन 921914, लेकिन आप तमीज रखना कि भाई किस टाइम पे कॉल करना है, बस इसी का एक थोड़ा सा आपको रखना है। अब मैं आपको 7877921914 ये मेरा पर्सनल नंबर है, बहुत कम लोगों के पास है, रेयर लोगों के पास ये नंबर जाता है। आज मैंने अपना आपको नंबर दिया है और इस पे अब हम बात किया करेंगे, और मैं आपके लिए कुछ 30 या 60 डेज का प्लान बना के दूंगा और हम जी जान लगा के पढ़ेंगे, लेकिन वो सब बकवास की बातें हैं अगर हमने कंसोलिडेटेड कौन साइज पढ़ाई नहीं की। तो आइए इनर्ट गैस की बात करते हैं। चलो आ जाओ यहाँ पे कि इनर्ट गैस में कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सबको पता होता है। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। एक और सबसे लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 इज ऑर्गेनिसॉन। क्या होता है इसको? ऑर्गेनिसॉन, ओजी और ऑर्गेनिसॉन इसको बोला जाता है। अब जो हीलियम है, सबसे पहले इसकी बात एनसीईआरटी करता है कि जो हीलियम है सर, वो उसका कॉमन सी सोर्स क्या है। तो आपने मीथेन गैस के बारे में सुना होगा, आपने नेचुरल गैस के बारे में सुना होगा, ऐसे गैस जिससे हमें एनर्जी मिलती है, आपने उसके बारे में सुना होगा, सुना है ना। चलिए तो हीलियम का कॉमर्शियल सोर्स जो होता है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस, है ना। कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। बहुत बढ़िया, तो भाई नेचुरल गैस ये हो गया आपका कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम। चलिए इतना हमें पता है, हम इस पूरे ग्रुप का नाम क्या बोलते हैं? इनर्ट गैस। हम इसको प्यार से नोबल गैस भी बुलाते हैं, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी आगे जाकर बताऊंगा कि सर नोबल गैस इसको क्यों कहते हैं। थोड़ी देर आने दीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पे मुझे पहुंचने दीजिए। हाँ, इतना जरूर हमें अभी तक पता चल गया है कि सर दे ऑल आर गैसेस, इतना हमें जरूर पहले से पता चल गया है कि दे ऑल आर गैसेस, हाँ ना, सारे के सारे गैस है। क्लियर है, समझ में आया? तो यार यार ऐसे मत करो यार, है ना, मैंने अपना जी जान लगाया यार इस प्लेटफॉर्म के लिए ना। अब आपको यार कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, कुछ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके लिए आप टीचर्स पे एग्जाम मत लो, किसी भी टीचर्स को कुछ भी मत बोलो, ठीक है। एनीवन, डोंट से एनीथिंग, ठीक है। हम लोग भाई टीचर्स ही है ना, और टीचर्स कभी भी भाई किसी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहता, ठीक है। चलिए तो आइए यहां पे वापस करते हैं। गैसेस, कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। ये सारे गैस हैं क्योंकि इनर्ट गैस, नोबल गैस हम इसको बोलते हैं। अच्छा, ये सारे गैस केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसका हम आगे जाके कंफिगरेशन पढ़ेंगे, ये ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीटली फिल्ड एस एन पी ऑर्बिटल है, ठीक है। आपने इसे सबको हर्ट किया, भाई मैंने इसे सबको हर्ट नहीं किया, है ना, कुछ ऐसा हुआ होगा तो सॉरी फॉर दिस। इसे सबको मैं क्यों हर्ट करूंगा यार, मैं अपना टीचर केमिस्ट्री का, वो फिजिक्स के टीचर है, वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। कितने लोगों को ये लगता है बस कि हम ऐसे हैं, मतलब ये मेरा प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपको आज ये बात खुला कर देता हूं कि मेरा नहीं है, कंपनी मेरी नहीं है, मैं यहां एक टीचर हूं, जितना सिलेबस है वो आपको पढ़ाना है, मेरा इतना काम है, ठीक है। चलिए यहां पे आइए, कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम जो है वो नेचुरल गैस है। अच्छा, ये सारे के सारे गैस जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव है। ये सारे के सारे जो गैस है, दे आर केमिकली अनरिएक्टिव गैसेस, दे ऑल गैसेस आर केमिकली अनरिएक्टिव। आ जाते हैं अब रेडॉन की बात करते हैं। रेडॉन की जो बात करते हैं वो भी हम आगे चलते हैं। रेडॉन में क्या होता है कि सर रेडॉन की अकरेंस कहां होती है? तो रेडॉन का जो अकरेंस है, रेडॉन का अकरेंस ये पाया जाता है डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम में। रेडॉन कहां से मिलता है? तो रेडियम हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप नंबर 2 का लास्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 2 का लास्ट एलिमेंट रेडियम है, और रेडियम का जो डीके प्रोडक्ट है, डीके प्रोडियम नहीं बेटा, रेडियम, डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम, ठीक है ना। रेडॉन कहां मिलता है? तो डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम होता है, ठीक है। हाँ, कपिल बिल्कुल कहेंगे, टेंशन मत लो। चलिए अब डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम में क्या खास बात है? सर इसकी एटॉमिक नंबर 88 है और ये है 226 मास नंबर, ये होता है रेडियम। हमने कहां देखा था? एस ब्लॉक ग्रुप 2 में देखा था, बोलो। अच्छा, डीके होता है इसका मतलब अल्फा पार्टिकल निकलता है, फिजिक्स में पढ़ेंगे रिलेटिविटी में। तो चलिए भाई, अल्फा पार्टिकल सबसे पहले अलग कर दीजिए, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4 अलग हो गया, इससे जो निकलेगा वो निकलता है रेडॉन। तो बेटा एटॉमिक नंबर 2 निकल गया, 86 हो जाएगा, और मास नंबर 4 निकल गया, इट विल बी 224, ठीक है। डीके प्रोडक्ट ऑफ रेडियम से आपको क्या मिलता है? रेडॉन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लास्ट में आ जाते हैं ऑर्गेनिसॉन, ठीक है। लास्ट में आ जाते हैं बेटा हमारे पास ऑर्गेनिसॉन, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, काजल बेटा मैं पूरा आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल यहां पे ऑर्गेनिसॉन की बात करते हैं। ऑर्गेनिसॉन कैसे मिलता है? इसका अकरेंस की बात करेंगे तो इसका अकरेंस होता है कोलिजन से। इसका जो अकरेंस होता है वो होता है कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम, ठीक है ना, कोलिजन ऑफ कैलिफोर्नियम, कैलिफोर्नियम जिसका एटॉमिक नंबर है 98 और मास नंबर है बेटा 249, ठीक है। प्लस इसका कोलिजन आप किसी और से कराओगे, और उसका कोलिजन क्या है बेटा? कैल्शियम। उसका एटॉमिक नंबर हम ले रहे हैं 20, ध्यान रखें, वैसा कैल्शियम एलिमेंट ले रहे हैं जिसका मास नंबर 48 है, यही पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। कैल्शियम का जनरली मास नंबर कितना होता है बेटा? 40, बट यहां पे जो हम कर रहे हैं वो है कैल्शियम का मास नंबर 48। हम उस कैल्शियम को लेंगे जिसका मास नंबर क्या हो रहा है बेटा, यहां पे देखिए ना 48 है। कैलिफोर्नियम और कैल्शियम का जो कोलिजन होता है, और उस कोलिजन से जो बनता है वो है बेटा ओजी, ऑर्गेनिसॉन, ठीक है। 118 इज द एटॉमिक नंबर एंड 294 इज द मास नंबर। ध्यान दीजिए, साथ साथ में 3 न्यूट्रॉन भी आपके मिल जाते हैं, 3 न्यूट्रॉन भी आपके मिल जाते हैं। दिस इज हाउ, 3 अकरेंस आपको पढ़ना था, हीलियम का अकरेंस, फिर आपको पढ़ना था बेटा रेडॉन का अकरेंस, और फिर आपको पढ़ना था ऑर्गेनिसॉन का अकरेंस। हीलियम, रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन का एड्रेस आपको अकरेंस पढ़ना था, क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आते हैं यहां पे, इनर्ट गैस आपके सामने हो गया है। नाउ वी आर गोइंग फॉर एक क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, कहा जा रहा है कि व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोन एज इनर्ट गैस कॉमन नोबल गैस। एक क्वेश्चन आपको बताया जाता है जो एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर, व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर इनर्ट गैस और नोबल गैस। क्यों ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो है वो इनर्ट गैस कॉमन नोबल गैस है, बताइए व्हाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर इनर्ट गैस कॉमन नोबल गैस। 2 मिनट में इसका आंसर दीजिए, मैं अपना एक काम कर लेता हूं। फटाफट से चलिए, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, फटाफट से यहां पे आइए। चलो आ जाओ, फिर आते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स इनर्ट गैस क्यों बोले जाते हैं, कोई आइडिया है? तो देखो, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है, या फिर आप इस पैसे बोल सकते हो कि सर कंप्लीटली फिल्ड इनर्ट, या फिर एसटीएम इनर्ट कंफिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, बिल्कुल सही है। कंप्लीटली फिल्ड आउट वैलेंस शेल, कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। तो भाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स है जो है वो क्या है आपके पास? ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर इनर्ट गैस और नोबल गैस। क्यों? क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल है, स्लैश आप लिखोगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब चूंकि स्टेबल है तो भाई रिएक्ट क्यों करेगा,
क्योंकि स्टेबल है तो वाई दे विल रिएक्ट भाई दे विल नॉट रिएक्ट सिंस दे आर स्टेबल दे विल नॉट रिएक्ट एंड हेंस दे आर नोन एज इनर्ट गैस और नोबल गैस एंड हेंस दे आर नोन एज इनर्ट गैस और नोबल गैस इसीलिए भाई साहब इसको हम इनर्ट गैस या नोबल गैस बोलते हैं क्लियर हुआ इनर्ट का मतलब वो आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है नोबल गैस का मतलब आपके पास वो आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है क्लियर है ग्रुप एटी एलिमेंट्स आर नोनर्ट गैस और नोबल गैस अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आ जाएंगे कि भाई हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन ज़ेनॉन और रेडॉन और ऑर्गेनिसॉन ओजी की भी बात करेंगे ऑर्गेनिसॉन ओजी की भी बात करेंगे ठीक है ना ऑर्गेनिसॉन ओजी की भी बात करेंगे चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए अभी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका यही तो है कि भाई NH2NP6 जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप बोलोगे तो NH2NP6 ही तो है बहुत बढ़िया देखो हीलियम क्या है एंड फर्स्ट पीरियड है इसलिए 1s2 हीलियम इज एन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 ठीक है अब आइए यहां पे कि सर यहां पे आ जाते हैं नियॉन में 2s2 2p6 हो जाएगा अभी 6s हो गया बिना रीजन ब्लॉक के भाई मैं ब्लॉक नहीं करता किसी को मैं बहुत कम लोगों को ब्लॉक करता हूं एक दुक्का पूरे साल में क्या होगा मैं ब्लॉक नहीं करता ठीक है चलिए आप आइए और बाकी टीचर से बात कर लीजिए मेरे से मतलब मैंने ब्लॉक नहीं किया बाकी टीचर्स को बता दीजिए वो लोग क्या कहते हैं आगे में देख लीजिए दिस इज 3s2 एंड 3p6 ये हो जाएगा आपके पास आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन अच्छा इससे पहले ये आप लिखें भाई नियॉन में इनर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम आ जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6 होता है ना 1s2 की जगह हीलियम लिख दिया उसी तरह यहां पे आ जाएगा नियॉन के बाद जो होगा वो 3s2 3p6 उसी तरह क्रिप्टन में क्या लिखोगे आर्गन और ध्यान दीजिए ये फर्स्ट पीरियड का है ये सेकंड पीरियड का है थर्ड पीरियड का तब तक तो ठीक है लेकिन फोर्थ पीरियड आते ही क्या 3d आ जाएगा n-1d आ जाएगा यस तो ना यहां पे बेटा 3d भी आएगा 4s और 4p तो है ही सही 4s2 4p6 तो है रहेगा ही कोई वहां पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी 3d 10 4s2 4p6 ज़ेनॉन फिफ्थ पीरियड का है यहां तक आपको नॉलेज होगा कि सर क्रिप्टन इससे पहले आ जाएगा और n-1d आएगा मतलब 4d 10 5s2 5p6 मजा आ गया चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद रेडॉन की बात कर लेते हैं हेलो बताइए नहीं नहीं मत करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश करने के बाद नेक्स्ट आपके पास आया है आयनाइजेशन एनर्जी आईई मैं पूरे ओवरऑल इनर्ट गैस की बात करता हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा कि ज्यादा अगर मैं पूरे इनर्ट गैस की बात करता हूं तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी होगा ज्यादा पता क्यों ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि स्टेबल है भाई अब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता देना नहीं चाहता अब चूंकि स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता इसलिए बेटा क्या हो जाएंगे हाई एनर्जी लगानी पड़ेगी देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी हाई लिखो यहां पे ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस या ग्रुप 18 इज हाई Due to stable electronic configuration, ionization energy of inert gas group 18 is high. अच्छा, ये तो पता चल गया कि सर high होगा, लेकिन इनमें भी किसका ज्यादा किसका कम होगा? Helium, neon, argon, krypton, xenon और radon की बात करते हैं, बताइए. Helium, neon, argon, krypton, xenon और radon. Obvious है सर, बार-बार कई बार बताया गया है, ionization energy बेटा size के inversely proportional होता है. छोटा size ज्यादा energy लगाना पड़ेगा. बोलो एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी. So ionization energy के बाद NCERT कहता है, इसका atomic radius की चर्चा करो. कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत? हाँ, अब मैं एटॉमिक रेडियस से पहले दो पॉइंट चर्चा करूंगा. पहला पॉइंट बेटा कि अगर मैं इनर्ट गैस की बात करता हूं तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बड़ा कि छोटा? और बड़ा होगा तो क्यों, छोटा होगा तो क्यों? और बड़ा होगा तो क्यों, छोटा होगा तो क्यों? ये बात कर लेते हैं एटॉमिक रेडियस में. हेलो हेलो, एटॉमिक रेडियस में भाई बड़ा होगा तो क्यों, छोटा होगा? एटॉमिक रेडियस ऑफ इनर्ट गैस इज बिगेस्ट इन अ पीरियड. पता है क्यों? क्योंकि वन डर वाल रेडियस लगता है इसमें, याद आ रहा है? ड्यू टू वन डर वाल रेडियस, द एटॉमिक रेडियस ड्यू टू वन डर वाल फोर्स, ड्यू टू वन डर वाल रेडियस, ठीक है ना? इनर्ट गैस हैज हाईएस्ट, इनर्ट गैस हैज बिगेस्ट साइज ड्यू टू वन डर वाल रेडियस. इनर्ट गैस हैज बिगेस्ट साइज, ठीक है ना? वन डर वाल रेडियस की वजह से इनर्ट गैस के पास सबसे बड़ा साइज है. अच्छा, उसके बाद कैसे करना है? तो भाई यहां जाएगा हीलियम, नियॉन, फिर आ जाएगा आर्गन, देन क्रिप्टन, देन ज़ेनॉन एंड देन रेडॉन. बड़ा सिंपल है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वहां से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस के बाद नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी. बेटा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है और हम वही पढ़ते हैं जो आप देखे होंगे कि बेटा जो सवाल आते हैं, ठीक है? अपने को बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, लेक्चर के पीछे ध्यान दीजिए. कॉन्साइज मटेरियल होना चाहिए तब जाके आपका होगा. हेलो, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी. अब अगर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होता है, बहुत ज्यादा आप लेक्चर लिखते होंगे ना तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा और वही दिक्कत हो जाती है सेक्शन के लिए, ठीक है? अभी मैं आपके पास लेके आऊंगा सेल्फ स्टडी करने का प्लान, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है? और आपको पैरेलल में पढ़ाते भी रहेंगे और साथ साथ में आपकी रिपोर्ट भी देखते रहेंगे, टेंशन मत लो. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी की बात करें, सबसे पहले बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा? तो पहले सोचना तो ये पड़ेगा कि सर इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होता क्या है. पहले सोचना तो ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी क्या होता है. इलेक्ट्रॉन के गेन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी. अब कैसे होगा सर? क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता. Since it has a stable electronic configuration, octet is complete and fulfilled valence shell है, भाई साहब ये stable है, electron लेना नहीं चाहेगा, इसलिए electron gain enthalpy high होगी, positive होगी, ठीक है? जहाँ पे electron gain enthalpy negative था, मतलब electron लेना चाहता था, तो electron लेना नहीं चाहेगा, electron gain enthalpy is positive. तो यहाँ पे लिखेंगे due to a stable electronic configuration, क्या लिखने वाले हैं? क्योंकि inert gas में stable electronic configuration है, due to a stable electronic configuration, due to a stable electronic configuration, group 18 has positive, ठीक है ना? Group 18 has positive electron gain enthalpy. पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इन थैल्पी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे बढ़ जाते हैं. सर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर,
क्या हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। चलिए अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की चर्चा करें। सबसे पहले मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर की चर्चा करें, तो भाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा सेम, चाहे एमपी की बात करें चाहे बीपी की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों जैसे जैसे नीचे जाएगा क्या आपको पता है एटॉमिक मास बढ़ेगा। सर जैसे जैसे नीचे जाएगा एटॉमिक मास बढ़ रहा है एंड देयरफॉर वन डबल फोर्स बढ़ रहा है एंड देयरफॉर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, समझ में आया। तो यहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वन डबल फोर्स से आप देखेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक वेट बढ़ेगा, मेल्टिंग वन डबल फोर्स बढ़ेगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करें, आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं, आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। आइए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कैसे देखें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो सोचिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। सर कैसा होता है ये, तो चूंकि रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सर ये मोनो एटॉमिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, तो ये होगा सर मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक। अच्छा कोई रिएक्ट कर नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, दे नहीं रहा, तो बेटा इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन को कलर आता है। अब यहां पे ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, तो बेटा कलर आएगा नहीं, कलरलेस। ना कोई रिएक्शन कर रहा है, ना किसी तरह का कंपाउंड जनरली बना रहा है, तो बेटा ना कोई सुगंध बना रहा है, तो इट इज सिंपली ऑर्डरलेस। कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो, कुछ बने, कुछ रिएक्शन करे, तभी तो कोई कलर में चेंज, टेस्ट में और ऑर्डर में चेंज होगा, बट कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। ध्यान दो, किसी के साथ भी बेटा अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं हो रहा है, इसकी जिंदगी कोरा कागज है। सुना आपने, मेरा जीवन कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज है बेटा, कहीं रिएक्शन नहीं कर रहा है, रंगहीन स्वादहीन और स्मेलहीन है ना, स्मेल को क्या बोलते हो, सुगंधहीन, रंगहीन स्वादहीन सुगंधहीन, ये होते हैं, कोई रिएक्शन से नहीं करते। क्यों नहीं करता, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्यों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि वैलेंस कंप्लीट है, वैलेंस कंप्लीट होने से क्या हुआ, ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट से स्टेबिलिटी आ गई, बढ़िया। ठीक है, या डाउनलोड वीडियो एक्सपायरी के बाद डिलीट हो जाएंगे, नहीं बेटा कोई डिलीट नहीं होगा, ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नियॉन तो कलर देता है एडवर्टाइजिंग में बेटा, वो नियॉन मटेरियल है, वो नियॉन कलर नहीं है, ग्रे नियॉन मटेरियल है वो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों ऐसा कोई सोचा है सर, क्योंकि इसमें वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। इनर्ट गैस में वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो चूंकि इसमें वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए भाई साहब क्या हो जाएंगे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन कितना कम होगा, तो ये तो मैंने पहले भी बता रखा था, ऑर्डर के फॉर्म में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे वंडर वाल फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, वंडर वाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए सर, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, वंडर वाल फोर्स बढ़ रहा है, बोलो क्लियर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपको वो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, आप लोग कहीं और के, क्या होता है प्रोपगेटेड वीडियोस होते हैं बहुत सारे, है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं, वो जो टीचर्स हैं जो आपको वीडियो डाल रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भाई साहब अब पैसे की डिमांड हो रही है, भाई साहब पैसे दो फिर करेंगे, छोड़ो खैर मेरे पे करके क्या होगा, चलो अब आ जाओ यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद वीक वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं सब केमिकल प्रॉपर्टीज पे, नेक्स्ट आ जाते हैं इनर्ट गैस की केमिकल प्रॉपर्टी पे। और एक आपने अगर गलती से भी एनसीईआरटी खोली होगी, तो बेटा एनसीईआरटी खोलने से ये पता चला होगा कि सर इसमें तो सारा ही कवर हो रहा है, एनसीईआरटी को इतना आसान कर दिया बेटा, मेहनत लगता है, लेक्चर धीरे आएंगे हमेशा, मेरा टेंडेंसी रहा है बहुत पहले से आपको पता है, लेक्चर धीरे आते हैं लेकिन इतना सॉलिड आता है कि इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ मेरी लाइफ तो बहुत कंट्रोवर्सी होगी, इतना तो मैं मानने लगा कि पता नहीं, एक तो मैं बहुत इधर उधर नहीं करता ना। ठीक है चलो आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी के बाद आ जाते हैं, इनर्ट गैस लीस्ट रिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है आ जाओ, इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव, पता है क्यों, इनर्ट गैस इसलिए लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव, इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ केमिकल रिएक्शन, इनर्ट गैस इज लीस्ट रिएक्टिव इन अ केमिकल रिएक्शन, इनर्ट गैस लीस्ट रिएक्टिव केमिकल रिएक्शन, पता क्यों भाई, अभी भी हमने पढ़ा, एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, क्योंकि एलिमेंट स्टेबल ही हो गया तो क्या करोगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद सर अब रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन आना जाना चाहिए तब जाकर रिएक्शन होगा, लेकिन ना तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों, क्योंकि सर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है क्योंकि हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ना तो ये लेता है और ना तो ये देता है, हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद हम आ जाते हैं कि सर होता क्या है, इन दोनों वजहों से ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, साथ में स्टेबल भी है, अब ये तीन ऐसी बड़ी बड़ी कारण है जिसकी वजह से लीस्ट रिएक्टिव नेचर हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत कम रिएक्टिव नेचर में हो जाता है। चलिए अब होता क्या है कि सर एक साइंटिस्ट हुए हमारे जमाने में, आपके पुराने जमाने में साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था बेटा नील बार्टलेट, क्या होता है नील बार्टलेट लिखते हैं बट बोला जाता है नील बार्टलेट, नील बार्टलेट ने प्रिपेयर किया एक कंपाउंड, नील बार्टलेट प्रिपेयर्ड अ कंपाउंड, नील बार्टलेट अपने साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना रहे थे, तो उन्होंने कंपाउंड बनाया O2 प्लस PtF6 माइनस, O2 प्लस PtF6 माइनस का रेड कलर का कंपाउंड बना दिया, और ये बहुत खुश हो गए, जो बनाना चाहते थे वो बना लिए। अब ये बनाने के साथ इनको रियलाइजेशन हुआ कि सर O2 से O2 प्लस बनाने में जो एनर्जी लगेगी वही तो ज़ेनॉन से ज़ेनॉन प्लस बनाने में लगेगा, O2 से O2 प्लस बनाने में जो एनर्जी लगेगी वही तो ज़ेनॉन से ज़ेनॉन प्लस बनाने में लगेगा, उसी तरह ज़ेनॉन उतने ही एनर्जी लग रही है, इन्होंने देखा कि भाई O2 जब बना सकता है तो ज़ेनॉन हमारा क्यों नहीं, क्योंकि जितना आयनाइजेशन एनर्जी O2 से O2 प्लस में लगता है उतना ही एनर्जी ज़ेनॉन से ज़ेनॉन प्लस में लगता है, तो इन्होंने देखा कि जब O2 प्लस बनेगा तो ज़ेनॉन प्लस भी बनेगा, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है, और उन्होंने ज़ेनॉन प्लस भी बना दिया क्योंकि सेम कंपाउंड मिल गया, और कायदे की बात देखो ये भी जो कंपाउंड बना वो रेड कलर का ही बन गया। ठीक है सर आपने आईफोन क्यों बेच दिया, अरे यार बेटा आईफोन क्या बताऊं मैं, जो आपके पढ़ाई चल रहा है यहां पे उसके लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, ठीक है जो आपके टीचर्स यहां खड़े होकर मेरे से ही नाराज जाते हैं, मेरे को ही कुछ अभी मैं क्या क्या नहीं सुना मैंने, एक और टीचर मैं नाम नहीं लूंगा, उनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, जहां से पैसे आ सकते हैं आईफोन नहीं चलाना यार, 10,000 का मोबाइल चला लूंगा, ये नहीं करना है, वो नहीं करना यार, सैलरी कहीं और काम कर रहा हूं मैं आपको बता, आई एम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, सो दैट वहां से पैसे आएंगे तब मैं आपके टीचर्स को देखूंगा, क्योंकि अगर मैंने नहीं दिया तो वीडियो बना दिया,
बीट एनीवन, चाहे आपके कोई भी टीचर, बीट एनीवन। अभी आपकी शायद क्लास चल रही थी और उसमें मैंने फोन, मतलब उन्होंने फोन किया, पता नहीं क्या क्या हो गया, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी ही गलती है, मैं ही सॉरी बोल देता हूँ, आप पढ़ाओ बच्चों को, साफ करो, दैट्स ओनली द मोटिव। ठीक है, अभी लिटरली बता रहा हूँ, मैं अगर आपको कभी कहानी दिखाऊं, आई एम हियर एंड आई एम वर्किंग डिफरेंट एट अ डिफरेंट प्लेस आल्सो। क्यों? क्योंकि वहां से बेटा पैसे आएंगे तो ये जो आपके कमिटमेंट्स हैं वो पूरे होंगे। आपको लिखने के लिए बड़ा आसान लगता है, देखो सर ये कर दिया आपने, वो कर दिया आपने, सर वो वाले सब्जेक्ट की वाली पीडीएफ नहीं दे रही, भाई मैं इसे केमिस्ट्री का पूछना यार। सिंपल, मैं भी तो टीचर हूं लेकिन चाहता हूं आप लोग बीच में ना छूटे, इसलिए कहता रहता हूं। उसके बारे में बहुत नहीं बखान करूंगा कि मैं बहुत महान हूं, मैं महात्मा गांधी नहीं हूं और मैं कुछ वो ही कहना चाहता, लेकिन मैं हर कोशिश करूंगा कि आपका भला। आइए O2 प्लस XC प्लस PdF6 माइनस, बहुत ज्यादा कुछ इस पर डिस्कशन करना है प्लीज। ठीक है, अब देखो यहां पे हीलियम अपना कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, नियॉन अपना कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, आर्गन अपना कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में कोई भी कंपाउंड नहीं बनाता, क्रिप्टन जो है क्रिप्टॉन वो आपके कंपाउंड बनाता है KrF2, ज़ेनॉन आपके मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है, ज़ेनॉन फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, और पूरा चैप्टर में अभी हम ज़ेनॉन के कंपाउंड पढ़ने। उसी तरह जो रेडॉन है आरएन, आरएन फॉर्म्स RnF2। ठीक है ना, तो केवल और केवल क्रिप्टॉन के केवल एक कंपाउंड है KrF2, रेडॉन का एक ही कंपाउंड है RnF2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं बेटा कि यहाँ पे ये तीनों कोई भी कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। इनर्ट गैस कहता है ना कि जनरली कोई कंपाउंड नहीं बनता, इन तीनों में कोई नहीं बनता, क्रिप्टॉन और रेडॉन का केवल एक कंपाउंड बनता है और ज़ेनॉन के बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, ज़ेनॉन के बहुत सारे मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं रेड कलर का। ठीक है, हाँ तो चलिए यहाँ पे आते हैं, XC प्लस PdF6 माइनस में रेड कलर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दिस इज रेड कलर KrF2, ज़ेनॉन के मल्टीपल कंपाउंड्स हैं। अब आ जाओ इसके इसके बाद यहाँ पे रेडॉन में RnF2 ओनली। अब आगे बढ़िए, अब मैं आपको बताता हूँ आपके एजे सर को रुला दिया था, नहीं भाई मैं क्यों होता किसी को रुलाने वाला। ठीक है, मैं भी यहाँ पे बैठ के ना तीन चार दिन रुई रहा, तभी आपकी क्लासेस नहीं ले पाता। ठीक है, क्या होता है, ठीक है यार, हमारे यहाँ से आपसे मैं फ्रेंकली बता देता हूँ, आपके सामने सीन हो चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 7 मई जो ना हमारी सैलरी जाती है सब लोगों की। ठीक है, अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मेरी मेरा वाला पार्ट नहीं आया। ठीक है, मेरी सैलरी नहीं आई तो उनकी सैलरी नहीं जा रही, अब वो नहीं जा रही है तो वो पेशेंस, वही मैं कह रहा था कि पेशेंस। ठीक है, और बहुत सारे फ्रॉड वर्क हैं उनके यहाँ, उन्होंने किसी ने मैसेज कर दिया कि सर आपके स्टूडियो निकालेंगे, जो जहाँ मेन जहाँ लफड़ा है उन्होंने मैसेज कर दिया कि पैसे निकालेंगे, वो भी काफी सैलरी वाली बात है। दो मुद्दे थे, एक तो स्टूडियो निकालेंगे, वो मैंने शुरू कर दिया, 7 मई तक आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद रही बात की सर सैलरी की, तो मैं भी हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पैसे आ जाओ, मैं उसमें से आपको दूंगा और आपको पूरे दूंगा, भले मेरे बच्चे ना बच्चे, मेरे मकान मालिक कितना ही हो रहा है उनके यहाँ भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, नहीं हो रहा, मेरा भी तो सीन है बहुत बुरा, क्या करें। ठीक है, लेकिन मैं वो सारे काम नहीं करूँगा, मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं दिया तो आप समझो आपको हार गए, अगर जिसने मैंने रोया आपके सामने आप हार गए, ध्यान रखना, क्योंकि आप कुछ मानते हो अपने टीचर्स को, यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। मैं कैमरे के पीछे क्या करूँ आपको भले भी नहीं देती, देखो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया, मैं नहीं चाहता मैं कोई इंस्टाग्राम अकाउंट देखे, मैं टेलीग्राम पर बहुत कम आ रहा हूँ मार्केट, मतलब मैं दिखने नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो बस जो कमिटमेंट आपसे हुए हैं अभी फंस चुका हूँ एक मजार में, अब यहाँ से निकल नहीं सकता, क्योंकि आप लोग बोलोगे सर आपने धोखा दे दिया, और बोल भी सारे लोग, ठीक है बोलेंगे भी ऑब्वियसली, क्योंकि कंट्रोल नहीं, आप लोग जानते नहीं हो सच्चाई। अब क्या है कि अब चुके बच्चे मेरे नाम पे आए, बच्चों ने देखा टीचर पढ़ा रहे और आ गए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ आने के बाद चुके आप आ चुके हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी हद तक जाकर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना और आपका सिलेबस कंप्लीट करना, उसके लिए आप मेरे छोड़ो, सारी चीजें मैं आपको करूँगा और मैं हर टीचर के साथ खड़ा हूँ किसी भी मुसीबत में। इसलिए मैं आपकी क्लास आप देखोगे तो 2:15 तो 2:30 बज गया, उसके बाद स्टार्ट होता है, क्यों रीजन उसका, क्योंकि मैं अब चुकी सबसे बात हो गई थी, मुझे पता लग गया कि बहुत दिक्कत है, मेरे से ज्यादा दिक्कत है, तो मैंने वहाँ पे आके पहले बोला कि हाँ भाई मुझे पैसे चाहिए, सामने वाले को जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ से मैं पैसे लूँगा, फिर मैं सर लोगों को दूंगा। ठीक है, आप मानोगे नहीं, दुनिया यूँ पलटती है भाई यूँ। ठीक है, किसी को ये नहीं दिखता कि मैं कमा के किसी और को दे आऊँ, समझो सबको अपना अपना दिखता है, एवरीवन चाहे वो बच्चा हो, हमें बड़ा फ्रेंकली बोलता हूँ, बच्चा वो अपना दिखता है सर, गेट उसमें मास्टर को नहीं दिखा कि वो 4 घंटे क्लासेस आपको लग रहा है, जिसकी क्लास लग रही है मास्टर को नहीं दिखा कि कितना क्लासेस ले रहा है, किस परिस्थिति में ले रहा होगा, किस माइंड सेट के साथ ले रहा होगा, लेकिन हाँ बच्चा तो कुछ भी दिखता है। ठीक है, चलिए खैर, सर तो कह रहे दिसंबर से नहीं बैठा यार, ये गलत है, ये तो पूरा ही गलत होगा, है ना, दिसंबर से नहीं ऐसा संभव नहीं है। हाँ 7 तारीख इस महीने वाली नहीं गई, वो भी आज कल में मैं किसी भी हालत में चाहे मुझे बैंक लेना पड़े तो मैं लेके दूंगा, चाहे मुझे मार्केट से कल उठाना पड़े मैं कल लेके दूंगा, क्योंकि आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, नहीं मुझे पता आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो मैं वो नहीं चाहता क्लासेस बंद हो, आपकी क्लासेस कंप्लीटली चलें, इसलिए मुझे वो स्टेप लेना पड़ेगा, मैं फिर बाद में देखता हूँ अगले साल कहीं जाकर नौकरी करूंगा, मुझे नौकरी देगा कोई भी गाना पड़ेगी, मैं कर लूँगा। ठीक है, क्लियर नहीं है, और मुझे किसी भी तरह से आपसे पैसे नहीं लेने, सीरियसली बता रहा हूँ, आप लोग बहुत धन्यवाद हो कि भाई उसमें आप चैट में लिखा हम करेंगे नहीं, अब आपने बहुत कर दिया, बस बहुत ज्यादा दे दिया, हमें इतना प्यार इज्जत दिया, यही बोली बात। ठीक है, मैं जी जाऊँगा, आपके पास आपका भाई है, इसके अलावा कुछ मैं नहीं कहूँगा, दैट्स इट सिंपली, और मेरे पास प्रॉब्लम्स आएंगे और मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम आई हैं, झेला है, झेलूंगा, झेलता हूँ आगे भी, आई नॉट स्टॉप। ठीक है, आई नॉट स्टॉप। चलिए यहाँ पे आते हैं कि आपके पास कंपाउंड्स, आपको बता दिया कि क्रिप्टॉन और रेडॉन के केवल एक ही कंपाउंड्स हैं और ज़ेनॉन के मल्टीपल कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, क्रिप्टॉन का KrF2, रेडॉन का RnF2। चलिए अब आइए यहाँ पे स्टडी भारत 2024, बेटा मैं कहाँ से कितना करूँगा, स्टडी भारत 2024 में शायद ना और नहीं रहे, ऑब्वियसली नहीं रहेगा। ठीक है, मैं इस पार्ट क्योंकि मैं इतना कर्ज में डूब चुका हूँ, मुझे नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे नौकरी से मुझे एक साल तो उसमें लगेगा, तो आई डू अ जॉब, सिंपल आई डू अ जॉब जहाँ पे मैं ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं अपना लास्ट तक आपके साथ खड़ा हूँ। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे कि सर अब ज़ेनॉन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, मैं आपसे बेटा घर के लोगों आपसे खुल के बोलना चाहता हूँ, है ना, और हम मतलब एजे सर और डीए सर की जहाँ तक बात है उन्होंने इतना साथ दिया ना, इतना साथ दिया कि पूछो मत इतना, और मैं उसका भरपाई शायद ना कर पाऊँ जितना उन्होंने किया है। ठीक है, मैं क्लासेस की रेगुलर हो गया बट दे मेड श्योर कि वो यहाँ पे है, मान लो वो भी रेगुलर हो गया तो खत्म हो जाता ना सब कुछ। बट चलिए आइए यहाँ पे ज़ेनॉन गैसियस, ज़ेनॉन जो है XE गैसियस। ठीक है, अगर मैं बेटा ये एक्सेस में डालता हूँ, ज़ेनॉन एक्सेस में डालता हूँ और F2 गैस के साथ इसकी रिएक्शन कराता हूँ, ज़ेनॉन एक्सेस XE F2 के साथ रिएक्शन कराता हूँ, तो बेटा XE F2 सिंपल सिंपल बनता है XE F2 सॉलिड। ध्यान दीजिए, हाँ इसके टेम्परेचर और प्रेशर याद रखना पड़ेगा 673 केल्विन एंड 1 bar, ये एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है जिस पे ये बनता है। सिमिलरली ज़ेनॉन को गैसियस को और आपके पास 2F2 कर दो तो क्या बनेगा बेटा, ऑब्वियस कंडीशन दिख रहा है कि सर एक ज़ेनॉन है, 4 फ्लोरीन है, ज़ेनॉन F4 सॉलिड कंपाउंड बनता है, ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड सॉलिड। हाँ ज़ेनॉन और फ्लोरीन जो है बेटा इस बार 1:5 रेशियो में है, वहां क्या था कि एक्सेस में ज़ेनॉन था, यहां पे 1:5 रेशियो में। ठीक है, अब यहां पे आइए ज़ेनॉन और किसी भी प्लेटफॉर्म की बुराई मत करें प्लीज, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म की किसी की बुराई मैं नहीं करता और मैं चाहता हूं बेटा आप लोग भी अच्छे इंसान बने, आप हमेशा ऊपर वाले का सहारा बनिए। ठीक है, अब यहां पे आइए XE F6 सॉलिड बन जाएगा, XE F6 सॉलिड।
क्या होगा, दिस विल बी 873 केल्विन, 873 केल्विन एंड बेटा 7 बार। ये तीनों याद रखना है जो मैं एरो पे लिखा हूं। प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी टेंपरेचर प्रेशर पूछा जा चुका है, यहां पे थोड़ा सा टेंपरेचर कम हो लेकिन प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर हो जाएगा आपके पास 60-70 बार, 60-70 बार। ठीक है, हां, यहां पे पूछा जा रहा है कि ज़ेनॉन और फ्लोरीन में कितना होगा, तो यहां पे ऑब्वियसली फ्लोरीन बढ़ रहा है तो फ्लोरीन का रेशियो बढ़ना पड़ेगा, 1:20 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आते हैं ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड में, ज़ेनॉन एक्सेस में है, F2 के साथ रिएक्शन करके HCF2 बना, यहां पे ज़ेनॉन 1:5 रेशियो में है, HCF4 बना, यहां पे ज़ेनॉन 1:20 रेशियो में है, पर HCF6 बना, HCF2 HCF4 HCF6 सॉलिड कंपाउंड्स बनते हैं। और 673 873 573 पहले 200 बढ़ाना है और फिर 300 कम करना है, ध्यान रखिए क्या मैं बोल रहा हूं, पहले 200 बढ़ाना है और 300 कम करना है। प्रेशर दोनों में यहां पे सीधा देखो, प्रेशर 1 बार 7 बार 60 टू 70 बार। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया। चलो देखो, आप फिजिक्स टीचर आ गए यहां पे, एक है ना, वो फिजिक्स टीचर बेचारे इतने वेले क्या ही बोले। अब आ जाओ यहां पे कि XeF4 की O2F2 से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, XeF4 की O2F2 से अगर आप रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। XeF4 की O2F2 से रिएक्शन कराते हैं तो बेटा यहां पे बनता है XeF6 प्लस बेटा आपके O2 बन जाता है। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे, नहीं ब्लॉक नहीं करेंगे, प्लीज लेट देम शो कि उनके मम्मी पापा ने क्या सिखाया। अरे यार, उनके मम्मी पापा शायद है नहीं या होंगे भी, पता नहीं, आई डोंट नो, बट यहां पे देखिएगा XeF4 में O2F2 भी डालोगे तो भी X6 बनता है। O2F2 क्या होता है बेटा, ये एक फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, FLUO फ्लोरीनेटिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सर ये फ्लोरीन ऐड करता है सामने वाले में। अब आते हैं सर यहां पे, सर अब हमारे पास ज़ेनॉन फ्लोरीन ऐड कर देता है, किसी भी सामने O2F2 डालो तो फ्लोरीन ऐड कर देगा, तो F4 है, F फ्लोरीन ऐड करके F6 बना दिया। अब आते हैं बेटा यहां पे नेक्स्ट, आपके पास पार्शियल हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना, ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड का पार्शियल हाइड्रोलिसिस अभी हम करेंगे और फिर आगे जाके बेटा हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस भी करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, तो आपको देखोगे XeF6 है ना, ये आपके पास ज़ेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड XeF6, इसकी रिएक्शन आप वाटर से करो। सिमिलरली XeF6 की रिएक्शन आप इसे कर दो बेटा 2 मोल ऑफ वाटर से कर दो। सिमिलरली XeF6 जो है बेटा वो 3 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन कर दो, 3 मोल ऑफ वाटर से रिएक्शन कर दो। और एक एक करके बिना रटे देखना बेटा प्रोडक्ट सिखा देता हूं, एनसीईआरटी में ये तीनों रिएक्शंस दिए गए हैं, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है, जितने हाइड्रोजन है उतने एचएफ बना देने हैं। कितने हाइड्रोजन बेटा, 2, कितने एचएफ आप बना सकते हो, जितने हाइड्रोजन है उतने एचएफ बना के खत्म करो। सर नीचे वाले में भी आओ, जितने हाइड्रोजन है उतने एचएफ बना के पहला एक प्रोडक्ट को खत्म करो, जितने हाइड्रोजन है उतने एचएफ बना के एक प्रोडक्ट को खत्म कर दिया, समझ आ गया। सबसे पहले बेटा आपको एचएफ लिखना है, क्लियर है। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच, लाइफ में कुछ भी हो जाए कपिल विद आपके साथ रहेगा, मेरे बहुत सारे बच्चे भी साथ रहे, मेरे पास एक डॉक्टर फोन है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ठीक है, मैंने रेफर किया था किसी अपने जानने वाले को, देख लेना, वैसे पूछ रहा था कि सर क्या कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, कहाँ हो आजकल, कहाँ रहते हो, ही इज इन वो कहीं उधर रह रहा है, फॉरेन में, जर्मनी में, म्यूनिख है जगह, वहाँ पे रहा हूँ, उससे बात हुई थी। तो मेरे स्टूडेंट्स वैसे ही होते बेटा, बातचीत करते रहना, मैंने आपको दे दिया, हम सब फैमिली है, ठीक है, और फैमिली ही हमेशा बड़ी रहती है, लास्ट तक रहती है, लंबी रहती है। ठीक है, चलिए आइए इधर आ जाओ, XE, अब देखो यहाँ पे कि 2 फ्लोरीन यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, तो क्या बनेगा, 2 फ्लोरीन रिलीज हो चुके हैं, तो बचा है XeF4 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो आपके पास कंपाउंड जो बनेगा XeOF4, क्या बोला मैंने, सर लेफ्ट में क्या बचा है XeF4, राइट में क्या बचा है ऑक्सीजन, XE ऑक्सीजन, F4 XeF4। दूसरा सर यहाँ पे देखो ये क्या बन रहा है आपके पास, XeF2 बचा हुआ है, बचा हुआ है XeF2 बचा हुआ है और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, क्या हो जाएंगे XeO2F2 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है XeO2F2 बचा हुआ है। थैंक यू वंडिया, थैंक यू सो मच, यहां पे आइए XeO2F2, अब देखो यहां पे XeF6 में क्या क्या बचा हुआ है, केवल और केवल राइट हैंड साइड में 3 ऑक्सीजन है, देखोगे तो सारा का सारा HF बन चुका है, हाइड्रोजन खत्म, फ्लोरीन खत्म है, तो देखिए आपके पास XeO3 कंपाउंड बनेगा, बिना रटे आपने देखा जितने हाइड्रोजन थे उतने HF, जितने हाइड्रोजन थे उतने HF, और हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दी, ये वाला जो है दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये वाला जो है दिस इज बेसिकली कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पता है क्यों, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, पता है क्यों, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बिकॉज़ बेटा सारे के सारे फ्लोरीन खत्म हो चुके हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए बेटा यहां पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात आते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के ऊपर, यहां तक लिख लिया आप सब लोगों ने बच्चों, एकदम क्लियरली लिख लिया पार्शियल हाइड्रोलिसिस, आप क्या होगा कि अगले 10 मिनट में आप चैप्टर खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुत फटाफट है। ठीक है, इसके बाद आप कहो तो मैं हाइड्रोजन आपका करा दूं, आज ही थोड़ी देर गैप लेके, आप जितने बोलोगे 4:30-5 बजे से आज आपका मैं हाइड्रोजन करना चाहता हूं, और रात तक एक प्लानर भी देता हूं आपको, ठीक है बच्चों, मेरे साथ रहोगे हमेशा आपका बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो भी लोग कैसे हैं आइए समझते हैं, देखो आपके पास मैं XeF2 ले रहा हूं, XeF4 ले रहा हूं और XeF6 ले रहा हूं, इसकी मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, ठीक है ना, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मैं इन तीनों की कर रहा हूं, एक एक करके देखिएगा। देखो सबसे पहले यहां पे ज़ेनॉन जो है अलग से हो जाएगा, ज़ेनॉन अलग हो जाएगा, देखो कैसे होगा कंपाउंड, देखो क्या यहां पे H+ है, बिल्कुल सही है, क्या यहां पे F- है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुज कह रहे हैं कि आप दिसंबर का सैलरी नहीं दे रहे, एजे सर का स्क्रीनशॉट भेजा कि आप नहीं बेटा ऐसा नहीं है, एजे सर की ऐसा मैसेज तो नहीं कर सकते क्योंकि मेरे यहां से तो भाई लास्ट मंथ की सैलरी है, इस मंथ की आज या कल में जाएगी। ठीक है, आपके पास जो भी भेज रहे हो गलत है, अब भाई यहां पे H+ हो गया, उधर चला गया F- HF हो गया। ठीक है, आपके पास HF चला गया, ठीक है, H+ और F- HF चला गया, ज़ेनॉन अपना अलग हो जाएगा, ठीक है, ज़ेनॉन आपका अलग हो जाएगा और O2 आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि अंडर रिएक्टिव, केमिकली अंडर रिएक्टिव। ठीक है, तो ज़ेनॉन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, दिस इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पहला वाला। चलिए अब सर XeF6 का मैंने ऑलरेडी आपको देखा दिखा रखा है, XeF6 का मैंने दिखा रखा है, तो देखो क्या होगा यहां पे 6 मोल HF बन जाएगा, क्या 6 मोल HF बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 6 मोल HF बन गया है और सामने आपको देख रहे हो द सेकंड प्रोडक्ट इज 3 ऑक्सीजन बनेगा, तो XeO3 बन गया। ठीक है, 6 HF बन गया और यहां पे बेटा XeO3 बन गया। अब XeF4 में क्या होता है बेटा, XeF4 में कि सर जो दोनों को मिला दो तो XeF4 बन जाता है। ठीक है, जो दोनों को मिला दो तो बेटा क्या हो जाएगा, XeHF+O2+XeO3+ बस जितने कंपाउंड्स है सबको मिला दो तो ये आपके पास XeF4 बन जाएगा। ठीक है, जितने को मिला दो, दोनों को मिला दो तो आपके XeF4 बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जितने को आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे तो XeF2 और XeF6 को मिला दोगे तो आपके पास बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद हम ज़ेनॉन और फ्लोरीन कंपाउंड्स की चर्चा करते हैं और आगे, ठीक है ना, और कुछ कंपाउंड्स आइए, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर ऑफ कुछ कंपाउंड की बात करता हूं, स्ट्रक्चर की, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना है XeF2 का, आपको स्ट्रक्चर बनाना है XeF4 का, आपको स्ट्रक्चर बनाना है XeF6 का, आपको स्ट्रक्चर बनाना है बच्चों XeOF4 का,
फिर आपको स्ट्रक्चर बनाना है XeO2F2 का, एंड देन आपको स्ट्रक्चर बनाना है बेटा XeO3 का। अब देखो ज़ेनॉन में, अब स्ट्रक्चर में एक एक बनाओ, इधर आइए, यहां पे आ जाओ, ज़ेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? आप सब बोलोगे 8, 8 में से दो बॉन्ड बनेंगे दो फ्लोरीन के साथ, तो बेटा यहां पे क्लियर करो कि सर यहां पे दो बॉन्ड बनेगा तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 में से दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो बचे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर होता है ना भाई, एलपी का मतलब लोन पेयर, बहुत सही सर, मजा आ गया। तो दो बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, मतलब 5, 5 का मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 3 लोन पेयर। तो देखो यहां पे क्या होता है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, कुछ इस तरह से बनता है सर, इसमें 3 लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा ग्रेटर बॉन्ड एंगल पे आता है, और XeF2 की जहां तक बात है बॉस, XeF2 कुछ इस तरह से होगा, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन, है ना, XeF2 कुछ इस तरह से रहा, ये रहा फ्लोरीन और ये रहा फ्लोरीन, XeF2, ध्यान दें ये आपके पास 3 लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और लीनियर शेप रहेगा। हां जिस दिन आप YouTube खोलेंगे तो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, हां यार फिर से वो स्ट्राइक स्ट्राइक करने लेंगे और वही होगा, फिर इसलिए बेटा यही पढ़ो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो। कह रहे हैं रजनी कि हां यार बिल्कुल आंसर प्लीज, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे छोड़ो मैं कहूँगा, ठीक है, ओके ओके, एजेसन ने कहा मुझे पता है एजेसन कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, मेरी और एजेसन की मतलब ऐसी बॉन्डिंग है भाई वाली, तो आप लोग चिंता मतलब हम एजेसन के साथ हैं और एजेसन हमारे साथ है। XeF2 के बाद बेटा XeF4 की हम चर्चा करेंगे, रिसाइज कर लेते हैं, XeF2 के बाद बेटा हम XeF4 की चर्चा करेंगे, आइए XeF4 की बात करें। तो बेटा यहां पे 4 बॉन्ड है, XeF4 में 4 बॉन्ड है और बेटा 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 लोन पेयर, 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल में 2 लोन पेयर है भाई, 4 का मतलब 4 और 2 6 का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, XeF4 कुछ इस तरह से बेटा होगा, XeF4 ये हो गया XeF4, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल में भाई यहां पे आ जाओ, ऑक्टाहेड्रल में ऊपर में एक लोन पेयर, ऊपर में एक लोन पेयर है और नीचे में एक लोन पेयर है, ऊपर में एक लोन पेयर है और नीचे में एक लोन पेयर है, दिस विल बी XeF4, क्लियर है क्या? हां यार मुझे पता है। अब आ जाओ XeF4 में 6 में से 2 लोन पेयर है 4 बॉन्ड है, ठीक है, 6 में से 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। अब आ जाते हैं XeF6 में, XeF6 में याद करो बेटा 6 बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन के साथ, 6 बॉन्ड बन रहा है, तो 8 में से 6 बॉन्ड बन गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, 6 प्लस 1 7 बॉन्ड बनाना होगा, उसमें से 1 लोन पेयर है, तो 7 का मतलब sp3d3 है ना, sp3d3, और वो होता था आपको पेंटागोनल बाइपिरामिडल, आपको याद है XeF6 में भाई पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता है, ये रहा पेंटागन XeF6, 1 2 3 4 5 और 6 पेंटागोनल, और यहां पे हो जाएगा दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बट जो शेप होगा वो हो जाएगा आपके पास डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। चलिए अब देखो यहां पे कि बॉस XeOF4 में क्या होगा, तो ज़ेनॉन में भाई साहब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बना दिए, 2 बॉन्ड तो ऑक्सीजन ने बना दिए और 4 बॉन्ड आपके फ्लोरीन ने बना दिए, दो बॉन्ड आपके ऑक्सीजन बना दिए और 4 बॉन्ड आपके पास वो हो गए, तो ध्यान रखें हम हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो इसलिए बेटा एक ही बॉन्ड होगा यहां पे, तो बनेगा आपके पास 4 प्लस 1 5 मतलब sp3d, 4 प्लस 1 5 मतलब sp3d, तो देखिए क्या होगा, ज़ेनॉन के पास पहले तो sp3d कर दो, ज़ेनॉन के पास 4 प्लस 1 5 और एक लोन पेयर भी तो है, एक लोन पेयर, क्योंकि 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन यहां का छुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहां का छुआ और एक लोन पेयर आ गया, बहुत बढ़िया, तो 4 और 2 6 है, तो आपके पास हो जाएगा XeOF4, तो डबल बॉन्ड डाल दो, F4 आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है, और एक लोन पेयर आ जाएगा, दिस इज XeO4। रूदा में केमिकल बॉन्डिंग नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ बेटा, रूदा में केमिकल बॉन्डिंग हुआ, आप जाइए देखिए तो सही, वहां पर रिकॉर्डेड फॉर्म में हुआ, लाइव प्लस रिकॉर्डेड था ना, तो एक चैप्टर रिकॉर्डेड में हुआ, ठीक है, और अगर वहां से आपको नहीं मिल रहा तो रिकॉर्ड पड़ा, देख लीजिए XeO4, XeO2F2 की बात करें तो भाई यहां पे 2 बॉन्ड बनेगा, यहां पे 2 बॉन्ड बनेगा, तो बाकी बन गए आपके पास कितने, 2 यहां पे और 4 यहां पे, 6 और 1 लोन पेयर यहां पे बच गया, ठीक, तो 2 2 4 और 1 5, 5 का मतलब होता है sp3d XeO2F2, ठीक है, तो XeO2F2 कुछ इस तरह से बनेगा, XeO2F2 है ना, तो लोन पेयर विल बी ऑलवेज ऑन द, लोन पेयर जो है हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहता है, और हमने यहां पे लोन पेयर इस तरह से बना दिया, लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पे रहता है, यहां XeO2F2, XeO2F2, और XeO3 में भाई साहब 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, ठीक है, तो XeO3 कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास पिरामिडल से, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर मतलब पिरामिडल हो गया, ठीक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, एनिमल किंगडम नहीं कराए निर्माण में, एनिमल किंगडम का मैम ने रिकॉर्डिंग देखा है, करा दो, ठीक है, नीलोफर में देखो कितनी स्मार्ट है वो, उसने कर लिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, तो आपके पास बेटा यहां पे पूरे पूरे इनर्ट गैस फिनिश हो चुका है, इनर्ट गैस आपका फिनिश हो चुका है, अब आपके पास समय हो रहा है बेटा क्या 4:18, हम 12 मिनट बाद भी अगर आपको मिले, हम अगर 12 मिनट बाद आपको मिले तो कैसा रहेगा, मैं कुछ खा के आ जाता हूं और मैं आपको हाइड्रोजन करा देता हूं, ठीक है,